हमारी सबसे बड़ी चिंता संविधान पर हमला की, और संविधान पर जो हमला हुआ है वो चारों तरफ से हो रहा है। वो इस प्रयास के साथ हो रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, और उसमें कई प्रपंच रचे जा रहे हैं। उन प्रपंचों में प्रमुख बातें यह है कि जो संविधान सम्मत जो हमारे समुदाय हैं SC ST OBC उनके आरक्षण को समाप्त करके और उसकी जगह एक नई परिभाषा को रचकर जो संविधान सम्मत नहीं है उस वर्ग के लिए 10% सवर्ण आरक्षण की घोषणा कर दी गई। एक तरह से देश में पहली बार जातिगत आधार पर यही आरक्षण है, क्योंकि इसके पहले जो SC ST को मिला था संविधान के अनुसार वो उनके जो सामाजिक रूप से वो इतने वर्षों से प्रताड़ित थे, और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था महात्मा गांधी के साथ जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर डिप्रेस्ड क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन सभी जो वार्तालाप या वहां पर जो भी निष्कर्ष निकला था उसके परिणाम स्वरूप संविधान में जो समुदाय अस्पृश्य हैं, अनटचेबल्स हैं, ऐसे लोग जो सामाजिक रूप से प्रताड़ित हैं उनके लिए SC ST कैटेगरी में सबसे पहले आरक्षण रखा गया। उसके बाद सबसे पहले जो संविधान का जो अमेंडमेंट हुआ वो अन्य पिछड़ा वर्ग उसके लिए हुआ, जिसके तहत एक कमीशन को बनाकर चिन्हित करना था ऐसे वर्गों को जो समाज में पिछड़े हैं, जिसके पहले अध्यक्ष काका कालेकर थे, जिन्होंने स्वयं ही अपनी रिपोर्ट को अपनी ही भूमिका और चिट्ठी में राष्ट्रपति को निरस्त कर दिया, जिसके कारण 1956 से लेकर 1977 तक अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं मिलता। लेकिन 1977 में जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मंडल आयोग VP मंडल की अध्यक्षता में जो कमीशन बनी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री उनके अध्यक्षता में जो कमीशन ने रिकमेंड किया, उसने मूल रूप से रखा इस बात को कि देश में 52% पिछड़े हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता है। अतः चूंकि पहले से 22.5% SC ST के लिए आरक्षित है, इसीलिए हम मजबूरन 27% आरक्षण, उन्होंने नौकरियों में 27% आरक्षण को लागू किया, जिसके बाद देश में बहुत बड़ा एक संग्राम की तरह मच गया। हम RTI के माध्यम से आज जानते हैं कि जो भी OBC वर्ग के लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व क्लास वन में बहुत ही कम है, उनका प्रतिनिधित्व जो क्लास वन में 4% से अधिक नहीं है, क्लास टू में 8% और क्लास थ्री में 12% से अधिक नहीं। तो आरक्षण मूल रूप से जहां पर प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, जहां पर ये बताया गया है संविधान में कि समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उसके तहत आरक्षण दिया गया। लेकिन अब जो सवर्ण आरक्षण दिया गया है वो तमाम संविधान के प्रावधानों को धता बताते हुए दिया गया है, और हमारे इस प्रस्ताव में सर आज के हमारे एक प्रमुख वक्ता और अतिथि दिल्ली सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी आ चुके हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और विश्वविद्यालय में भी, दिल्ली विश्वविद्यालय में वे हमेशा उपस्थित रहते हैं, खासतौर से सामाजिक न्याय के उद्देश्य के कार्यक्रमों के में। इस कन्वेंशन की ओर से उनका स्वागत करता हूं, और हम चूंकि अपनी बात को मैं जारी रख रहा था तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो दूसरा पॉइंट हमारा है वो 13 पॉइंट रोस्टर को वापस किए जाने की बात है। रोस्टर क्या होता है, अभी हमारे कई लोग जो विश्वविद्यालय से नहीं जुड़े हैं उनको एक मोटे तौर पे बता देता हूं कि आरक्षण को लागू करने का जो व्यवस्था है उसको रोस्टर कहते हैं। अगर आगे 10 पद होने वाले हैं
तो उन दसों पद में किस श्रेणी को कौन सा पद जाएगा ये पहले से तय किया जाना रोस्टर का काम होता है। इसके पहले विश्वविद्यालय में 200 पॉइंट रोस्टर लागू थी जो पूरे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के सभी विषयों को एकत्रित करके उसका सम टोटल निकाल कर किया जाता था। उसको इस तरह से समझा जाए कि एक विश्वविद्यालय में या एक महाविद्यालय में अगर 10 सब्जेक्ट हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी हिस्ट्री ज्योग्राफी एक्सेट्रा उन दसों विषय में अगर एक एक पद आता है तो 10 पद आने वाले हैं अल्फाबेटिकली उनको एक अरेंज करके पहला से तीसरा पद जनरल कैटेगरी चौथा ओबीसी कैटेगरी फिर सातवां एससी एसटी इस क्रम पे वो चलता है। अभी सरकार ने अलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को के पीछे उन्होंने लागू किया है कि 13 पॉइंट रोस्टर विषयवार हो यानी एक विषय में जो भी रिक्तियां आएंगी उस आधार पर नियुक्तियां होंगी किसी भी विषय में कभी भी एक या दो पद से अधिक आती नहीं। दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण मसला है कि इसमें बैकलॉग नहीं होगा यानी अगर एक श्रेणी को दो या तीन पद मिल गया और फिर आगे एक साल बाद 6 महीने बाद दूसरा पद आता है तो पुनः उसी श्रेणी को जाएगा। अब इस व्यवस्था में 13 पॉइंट जो रोस्टर है इसमें जनरल कैटेगरी छोड़ के कभी भी एससी एसटी ओबीसी का नंबर आएगा ही नहीं। एक तरह से संविधान जो कहती है और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कहा है कि 50% कम से कम आरक्षण में जाना चाहिए उसका घोर उल्लंघन है। संविधान को एक तरह से धता पता किया गया है और इसको जैसे ही ये आदेश आया उसके कुछ घंटों के अंदर कई विश्वविद्यालय ने निर्देश जारी कर दिए कि हमें एक या दो महीने के अंदर इन सभी पदों को भर दें यानी कि आगे आने वाले आपके पीढ़ियों के लिए विश्वविद्यालय की नियुक्तियों में तो स्थान से आप वंचित होने वाले ही हैं और इसके साथ साथ जो आपके विद्यार्थी हैं जिनको अभी मंडल कमीशन और एससी एसटी लागू होने के बाद उनको एडमिशन में जो है उसमें जो सवर्ण आरक्षण की चिट्ठी आई उस चिट्ठी में लिखा हुआ है सभी अन्य नियमों को शिथिल करते हुए फ्रीजिंग ऑल अदर रूल्स सभी तरह के रोस्टर को ताक पर रखकर सिर्फ सवर्णों में 8 लाख रुपए तक कमाने वाले 5 एकड़ जमीन रखने वाले और ऐसे इन्वर्टेड कॉमर्स में गरीब लोगों के लिए वो स्थान निजी क्षेत्र में भी लागू कर दिया गया। तो ये इतनी बड़ी जो मैं समझता हूँ बहुत अन्याय हुआ है तमाम एक वर्ग के साथ इस वर्ग के इस अन्याय के प्रति अगर सजगता से कोई बोले हमारे 540 सांसदों में और 240 सदस्य राज्यसभा में होंगे तो अकेला राष्ट्रीय जनता दल के हमारे सांसद जो हमारे बीच में हैं उपस्थित है डॉक्टर मनोज कुमार मनोज जानवर बड़ी मजबूती से अपनी तकरीर रखी जिस वीडियो को मैं समझता हूँ व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से प्रोफेसर मनोज झा के कुछ वीडियोस तो रेगुलर मीडिया पे भी आ जाते हैं तो उन पर हम लोगों ने देखा। आज इस बात को हम सिर्फ ये मानते हुए कि ये संघर्ष बहुत ही कठिन है और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जो तमाम पार्टियां हैं हमारी साउथ की पार्टी पीएमके है बस वक्ता में हमारे जो प्रमुख वक्ता आने वाले हैं लोगों ने निवेदन किया कि थोड़ा बात को समझा दें तो मैं अपनी बात को विराम ही दे रहा हूँ।